एजेंडा है, एजेंडा है तो आपको मैं गुंडा समझता हूँ, आप हमें एजेंडा समझ रहे हैं। यही है ना, ना ये देखिए इसी जो इनकी पत्रकारिता है, ये पूरी जनता इन्हें देख रही है और कमेंट में इनको बताइएगा भाई कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। इसीलिए मैं सामने बैठा हूँ मेरे भाई, मेरी हाँ इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे देखिए मैं सुन तो लीजिए आप बोलते ना ना ना, क्योंकि आप लोग को बोलने देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका नैरेटिव है ना वो हमने हमें जनता को नहीं चाहिए, हमें पीसफुल रहना है, भारतीय बनकर रहना है। हम लट लेके नहीं आए भाई साहब, लट ये इससे बड़ा लट कोई है ही नहीं, ये साला गोली चलाता है। कलीम साहब कई तरह के आरोप हैं, किस तरह देखते हैं? पहला सवाल मेरा यही है, क्या आंदोलन जीवी में शामिल हो गए? अगर देखिए मैं आंदोलन जीवी यार क्यों आई आंदोलन जीवी, मैं इसलिए कि आंदोलन से ये सत्ता पाए हैं और हमें आंदोलन जीवी कह रहे हैं। अन्ना को किसने बिठाया था, मैं जुड़ा था उस आंदोलन से और आज मुझे बहुत दुख होता है कि आज 9 साल से अन्ना हजारे कहाँ है, आज यहाँ पर आकर के भी अगर नेशनल खिलाड़ियों को भी सपोर्ट कर देते अन्ना हजारे तो तभी भी मुझे जो है बहुत बहुत ये मतलब दुख होता है। दुख होता है हाँ, किस बात से? कि अन्ना को भी, ये तो देश की बेटी है ना, अन्ना तो देश के आंदोलनकारी एक नेता है ना, मतलब समाज सेवक है, और ये लड़की भी देश की जो है गोल्ड मेडलिस्ट है, तो बताइए कि अन्ना जी का दायित्व क्या बनता है? हम तो उनको अच्छाई देखते हुए कि लोकपाल बिल आएगा तो इस देश का जो है कर्मचारी जो है झाड़ू वाले से लेके प्राइम मिनिस्टर तक लोकपाल के अंदर आएगा। हाँ आपने समर्थन दिया था, इसी आधार पर तो दिया था और हम जाते थे रोज, जब तक आंदोलन चला तब तक मैं हम लोग बीकेसी और जो आजाद मैदान दोनों जगह हम जाते थे। हाँ फिर अब तो कहाँ गायब हो गए वो लोग? सर मैं इस मीडिया मैं मीडिया से वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो आप हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हो मुझे, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। यही तो है हिंदुस्तान, कहाँ है? सशक्त हो रहा है हिंदुस्तान, आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान, विदेशों में पहचान हो रही है हिंदुस्तान की। अच्छा बहुत बढ़िया आपने नाम लिया। देश सशक्त कब होता है पत्रकार साहब? कब होता है बताइए आप बताइए। जब जनता खुशहाल हो, रोजगार रोजी रोजगार पर हो, है ना, जनता मजबूत हो, समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं वो मुख्य धारा में आए, तब हम तरक्की से जोड़कर देख सकते हैं अपने देश को। आज क्या स्थिति है, आज हमारी देश की 65% आबादी अगर 5 किलो राशन पर निर्भर है, और जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो न्याय योजना का भी मैं देखो, मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूँ और मेरे पास कौन डेटा लेके आएगा भाई, तो मेरे पास तो कोई एजेंसियाँ है नहीं जो डेटा कलेक्ट करें, तो मैं न्याय योजना को ही पकड़ूंगा जो 2019 में हुआ था, तो उस न्याय योजना के अंदर 20 करोड़ गरीबों की बात हुई की गई थी जो समाज के आखिरी पायदान पर हैं, और आज देश की 80% आबादी 85 किलो राशन खा रही है। तो मेरा तो सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जी 20 करोड़ से 80 करोड़ कैसे हो गए गरीबी रेखा से नीचे, ये मेरा सवाल है ना। 80 करोड़ लोगों को अगर प्रधानमंत्री फ्री का राशन दे रहे हैं तो उसमें देखिए ये प्रचारित जो है ना, ये प्रोपेगेंडा और प्रचार प्रसार यही तो जो कर रहा है, मैं उसी पर उंगली उठा रहा हूँ कि कहाँ तुम तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ थे, आज तुम्हें क्या हो गया? सेवा कह रहे हैं, सेवा भाव हो रहे हैं। पहले के प्रधानमंत्री जो भी होते थे तो मीडिया उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी ना महोदय, आज क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री 9 साल में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हम ये जनता भी तो जानना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, हम जिसे चुनेंगे तो उसी से सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री हमारा तो हमारा भी है ना, पूरे 142 करोड़ 87 लाख जो आबादी हो गई है सबका प्रधानमंत्री है, और आप कह रहे हो, मेरा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कह रहे हो कि देश की जनसंख्या ही सबसे बड़ी समस्या है। आपके जो हम लोग तो चाय की दुकान पर बैठते हैं, कॉमन मैन है, और वहाँ पर इनके सपोर्टर्स भी रहते हैं, विरोधी भी होते हैं। कहाँ कॉमन मैन है, आप तो स्टार बने कर रहे हैं, वो आप बना रहे हो, आप देखो आप वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, चाहे चाहे तो आप स्टार बना दो
चाहे तो आप ये स्टार बनने की का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपको लगता है वही समझ लीजिए, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू वैसे नहीं है। ठीक है, क्या होता है जब कोई सही गलत का डेफिनेशन तभी हो सकता है जब उस चीज सच्चाई को हकीकत में खंगाला जाए। अच्छा, यहाँ पर आप पहलवानों की मांग कर रहे हैं, जो उनकी मांग है तो सुनिए, तो जनसंख्या का बात जो हम लोग से कर रहे हैं इनके ही लोग, एक बात बताइए, चीन में जब जनसंख्या ज्यादा हुई थी तो चीन ने दिमाग लगा के उस जनसंख्या का यूज किया, यूटिलाइज किया, तो आज वो दुनिया के हर देश में अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। और हम अपने जो जनसंख्या है जिसमें युवा ज्यादा है उसे हम बोझ मान रहे हैं, तो आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल करके और तरह तरह के अनुसंधान और ट्रेनिंग दे करके, और हम अगर आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते बनाने, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा हैं और काम के लिए हमें लेबर और वर्कर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तो आज हमारा देश बहुत जल्दी टॉप कर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ महोदय। तो ये चीज़ें, पर मैं ये सवाल मेरा ये था, जिस तरह से पहलवानों का जैसे आप आए हैं यहाँ पर समर्थन देने के लिए, अभी एक बयान उनका आया है ब्रजभूषण का, 15 रुपए वाला, हाँ, मेडल की तुलना वो 15 रुपए से कर रहे हैं। आप इसको आप पत्रकार बंधु के किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये मैं मतलब मैं भी जानना चाहूंगा, देश की जनता भी जानना चाहेगी कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पर कैसे अपना व्यूज रखते हैं। लेकिन मेरा हाँ, आपका अलग, यही तो हमारा देश है ना, ये अनेकताओं में एकता, कोई जरूरी नहीं है, मेरा ये देश को भी संदेश है कि ये भाई हो और ये भाई हो, हम मैं हूँ, बाकी ये लोग हों, हम सबका पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, भाईचारा मनभेद नहीं होना चाहिए, ये हमारा देश है। तो आज भाईचारे में भी ये बात आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हम क्यों कर रहे हैं, हम सब भाई हैं। देखिए सवाल, सुनिए ना, सवाल वहाँ सर उठ जाता है, सवाल जैसे अभी सुन लीजिए, अभी हाल ही में पिछले 4 दिनों से पहलवान पदयात्रा कर अलग अलग जगह जा रहे हैं, हनुमान मंदिर भी गए, गुरुद्वारा भी गए, अब लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या वो निजामुद्दीन या फिर वो दिल्ली की जामा मस्जिद जाएंगे? आपने इनका जवाब नहीं सुना, हम और उस हर वो जगह जाएंगे, क्योंकि हम एक मतलब इंसानियत में बिलीव रखते हैं और हम ये पूरे देश की जनता को एक मानते हैं, ये आपके कानों में उनकी बात है, कब जाएंगे ये तो अब जाएंगे यार, आज बताओ, रोज जा रहे हैं, आज नहीं गए कहीं भी, हाँ तो जाएंगे ही यार, ऐसा नहीं है, देश सबका है, हाँ। और मैं देखिए, एक मेरा एक ऐसा मानना है कि इस देश की सरकार और या मीडिया ये तय नहीं कर सकती कि जनता क्या पहनेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कहाँ जाएगी, वो मंदिर जाएगी, गुरुद्वारा जाएगी, कहाँ जाएगी, ये आप और हम, ये आप और सरकारें नहीं तय करती हैं, क्योंकि हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, नहीं कर सकती। लेकिन आप कह रहे ना, सामान्य रूप से अगर हम देखेंगे तो ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है, तो सभी सवाल, सभी धर्मों, अरे यार तो आपने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है तो मैं क्या करूँ, यही आप में प्रॉब्लम है कि आप आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हो, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया हम हर जगह जाएंगे, तो आज ही क्यों नहीं गए, कल ही क्यों नहीं गए, 2 घंटे में क्यों नहीं गए, कब जाएंगे, अरे यार तो अनुमानित सर, आप पत्रकारिता छोड़ के ज्योतिष बन जाइए, अनुमानित समय बता दीजिए, अरे मैं क्या बताऊँ, मैं ज्योतिष हूँ, जाएंगे हर जगह, जाएंगे हर जगह, वो हर समाज से समर्थन लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये जब मेरा लाए थे तो मुस्लिम खुश नहीं हुए थे, तो फिर ऐसे हिंदू मुस्लिम वाला क्यों नैरेटिव चला रहे हो आप, ये मेरा सवाल है। अच्छा, अभी क्या लगता है फिर, अभी आज का कहीं का प्लान नहीं है इनका या कहीं जाएंगे? आज को तो मेरे सुनने में आया कि नहीं है, नहीं है, हाँ। अच्छा, जो अभी तक जो सरकार की तरफ से अभी समिति भंग कर दी गई है, तो अब जब इस्तीफा हो ही गया है, जब तक इस्तीफे की मांग चल रही थी, तो अब उठ जाना चाहिए, क्या लगता है? तो ये जाके आप उनसे पूछिए, आप भी तो प्रोटेस्टर्स, आप भी तो इनके प्रोटेस्टर्स, आपको नहीं पता यार कि जब पॉक्सो में FIR होती है तो क्या होता है, जब ये नहीं पता है, गिरफ्तारी होती है ना, हुई क्या, हुई क्या, आप बोलते हो कि कहाँ छुआ, कहाँ पे टच किया, उसका वीडियो लाओ, ये करो, तो यार आप मीडिया उनसे जाके पूछिए ना, उनकी कमेटी से, कि कलीम है से पूछोगे, उनकी कमेटी से पूछो कि अगर कभी किसी महिला को कोई छेड़ रहा है, अभी मैंने बताया, तो महिला कहेगी क्या कि नहीं भाई आप रुकिए, पहला मैं वीडियो कैमरा लाती हूँ, मेरा शूट कर लीजिए, फिर मेरे को छेड़िए,
ऐसा होता है। इस आपकी इस मांग के बीच में सरकार को गिराने में या 2024 में वापसी करवा देंगे, मैं कौन होता है, कहाँ से आ जाती है बातें, कौन कहा है ये? आप गानों के सहारे आप नहीं, नहीं, आप ये नरेटिव, आप ये सुनिए ना, साफ 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 मेरी बात सुनिए, हम जनता है ठीक है, हम जनता क्या करते हैं, जनता है तो जनता सुनिए तो आप सरकार के? देखिए यही तो प्रॉब्लम्स है। अब मान लीजिए गोदी मीडिया तो पहुंच नहीं पा रही है यहाँ पर, हाँ तो उसमें गोदी मीडिया के कुछ दूत भी आ जाते हैं आप जैसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ सवाल करो तो दूत, हाँ हाँ क्योंकि इस तरह का सवाल ढंग का होना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है, मैं आप कभी नरेटिव हिंदू मुस्लिम का चलाते हो, कभी आप पहलवानों को जिम्मेदार ठहरा देते हो, सवाल क्या गलत है जो मैं कह रहा हूँ, बहुत गंदा है सवाल। आप अपनी मांग के साथ साथ आप नहीं नहीं ये सवाल मैं कौन सा एजेंडा चला रहा हूँ, मैं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मांग रहा हूँ तो एजेंडा है, एजेंडा है तो आपको मैं गुंडा समझता हूँ, आप हमें एजेंडा समझ रहे हो, यही है ना ना ये देखिए इसी जो इनकी पत्रकारिता है, ये पूरी जनता इन्हें देख रही है और कमेंट में इनको बताइएगा भाई कि पत्रकारिता कैसे की जाती है, इसीलिए मैं सामने बैठा हूँ मेरे भाई, अब मेरी हाँ इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे देखिए सुन तो लीजिए आप ही बोलते ना 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 क्योंकि आप लोग को बोलने देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका नैरेटिव है ना वो हमने हमें जनता को नहीं चाहिए, हमें पीसफुल रहना है, भारतीय बनकर रहना है, हम लट लेके नहीं आए भाई साहब, लट ये इससे बड़ा लट कोई है ही नहीं, ठीक है ये साला गोली चलाता है, गोली कितना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, गोली चलाता है तो क्या क्यों नहीं, किसी को भी गोदी मीडिया बोल देना, किसी को भी, अरे यार आप बताइए ना, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैं क्या हिंदू, अभी इनको बोले मस्जिद क्यों नहीं जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे, ये क्यों नैरेटिव चला रहे हो आप लोग, ये नहीं कह रहा मेरी बात सुनो, मेरा सवाल ये था, अभी आपने कहा सवाल सुन तो लीजिए, जितना आपने सुनिए ना मेरी बात, जितना आपने सवाल सवाल की तरह पूछा मैंने जवाब जवाब की तरह दिया, और जितना आप गंदा सवाल पूछोगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, आज आपके गुर्दे में दम नहीं है प्रधानमंत्री से सवाल करने, तो कलिम के पास क्यों सवाल करने, आपके गुर्दे में दम है इसलिए आपसे कर रहा हूं, मैं मेरे गुर्दे में दम है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कहाँ है प्रधानमंत्री जी, तो ये सवाल आपका जा रहा है ना, रोक तो नहीं रहे, तो बताइए ना सर ये मेरा सवाल, ना ना आप मेरे, अरे तुमने गोदी मीडिया बता दिया इसलिए मेरा सवाल, आप ही सवाल करोगे तो हम जनता का कुछ अधिकार ही नहीं बचाना, अधिकार है ना, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस देश में सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करना सही है, बिल्कुल गलत है, कंडेम कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, ये बताइए कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर जनता अगर सवाल करे तो उसे ही जिम्मेदार ठहराना सही है, किसे कौन ठहरा रहा है जिम्मेदार, नहीं ठहराना चाहिए, मोरबी में हादसा हुआ था क्यों, कौन जिम्मेदार हुआ था, नेशनल मीडिया ने बताया था ना, क्या बताया था कि जनता जिम्मेदार है, उतना मॉब में चली गई, इतना क्या नहीं नहीं तो प्रशासन प्रशासन भी तो जिम्मेदारी लेगा नहीं लेगा, तो क्रिटिसाइज आप करिए, मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरा सवाल ये था, आप भी तो मीडिया हो यार, नहीं तो सुन लो मेरा सवाल सुन लो, आपने कहा ना गोदी मीडिया में आपने बात, हाँ आप क्रिटिसाइज करिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई पत्रकार कोई जर्नलिस्ट यहाँ आती है और उनका सिर्फ इस वजह से बहिष्कार हो जाता है कि उनके चैनल या दूसरे चैनल क्या करें, उन्हें मौका तो दीजिए ना, आप पहले ही बहिष्कार करना चाहते हैं, हम बहिष्कार देखिए ना, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाना सही है, मेरी बात सुनेंगे, बताइए अब आप बोलिए, मेरा ये बोलना है, चलिए मान लीजिए कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद बोलना बिल्कुल सही नहीं है, मान लिया मैंने, तो बताइए प्रधानमंत्री से ये सवाल करना कि आप थकते क्यों नहीं, ये सही है, हम जनता का सवाल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री थक क्यों नहीं रहे, ये पूछना चाहिए, ये आप मुझे जवाब दें, तो आप अभी जनता देख रही, आप अभी भी सही सवाल कर रहे हैं, आपका अधिकार है सवाल करना, जैसे आपको जवाब देना आपका कुछ अधिकार ही नहीं, आपके कुछ अधिकार ही नहीं बचे, जिम्मेदार जनता, मरे जनता, भूखमरी से भी मरे जनता, महंगाई में पिसे जनता, बेरोजगारी से मरे जनता, उसके बाद पत्रकार साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार है जनता, जब आप आए थे आंदोलन में भाई, भाई मैं नहीं कह रहा हूं यार, क्या बात है, नहीं नहीं मैं सीरियस नहीं हूं, नहीं हूं, ये आपको कैसे लगा, यार हमारे देश का जब बात आएगा, जब हमारे देश के इंस्टीट्यूशन पे चोट पहुंचेगा तो एक जिम्मेदार नागरिक को दुख होगा यार, लेकिन आप जिम्मेदार नहीं है, देश का इंस्टीट्यूशन लूटेगा तो कर रहे हैं हम अपना काम कर, तो वही तो मैं कह रहा हूँ यार भाई, क्यों आपको आपको बड़ा ये लग रहा है, मेरा यही सवाल है, देश का 17 मीडिया चैनल है नेशनल, तो बताइए उस पर क्या चल रहा है न्यूज, हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम अपनी सवाल किसके पास लेके जाएं, तो वही बता दें, वहाँ चले जाएं, युगांडा चले जाते हैं,
या कहीं पर किसी भी देश का नाम बता दे तो हम वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछ के आते हैं, नहीं पूछेंगे हम अपने प्रधानमंत्री से, यही मैं तो कह रहा हूँ। बात समझे कि नहीं? हमारा अधिकार है जनता का, फंडामेंटल राइट्स है यार। तो आप बताइए ना, आप जैसे बात करते हैं तो सीरियस लोग भी कहेंगे यार, मैं सीरियस नहीं हूँगा तो मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचूंगा तो फिर मेरे बच्चे ना आगे जब मैं वो बड़े होंगे ना तो हमें दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, ये डर है। फिर सवाल पूछेंगे कि हमारे जब भविष्य लूटा जा रहा था तो तू बोल क्यों नहीं रहा था, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। मैं मेरा ही नहीं, मतलब पूरी जनता के पास, इसलिए हम बोल रहे हैं। अमृतकाल के सवाल में जवाब ऐसे ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका चेहरा दिखाइए, अरे दिखाइए, हाँ वसीम भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मुझे ये बताइए कि 2014 में आजाद हुए थे क्या? क्या क्या आजादी 2014 में ही मिली थी? नहीं, ये कंगना रनौत का स्टेटमेंट है, वसीम भाई का नहीं है। नहीं तो मतलब उन्हीं में शामिल थे क्या? अकेला तो कोई देश आजाद नहीं करा सकता। कहने का मतलब ये है क्योंकि देखिए ना सर, ये देश सबका है, क्या पत्रकार हो, सही बात है, क्या साहित्यकार हो, क्या लेखक हो, क्या एक्टर हो, क्या क्रिकेटर हो, और क्या फिर मजदूर हो, क्या किसान हो, क्या जवान हो, ये देश सबका है। अगर देश बचेगा तो हम बचेंगे, और मोदी है तो मुमकिन है का स्लोगन जो चला रहे हैं तो ये नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही बात, शिक्षा चाहिए। और दूसरी बात कि मान लीजिए कि अगर देश की तरक्की का जो पैमाना है, मतलब मापने का जो बुखार नापते उसे थर्मामीटर कहते हैं ना, हाँ, तो वो है, वो क्या है? अच्छा आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आखिरी ये वो ये है ना, रोजगार, देश से देश की खुशहाली, जनता की खुशहाली। तो जब जनता की खुशहाली पर, जनता के रोजगार पर, जनता के बच्चों के कलम कापी सब पर टैक्स लगाते चले जा रहे हो तो जनता क्या है? मूर्ख है, बोलेगी नहीं, और जब बोलती है तो आप लोग उसको जिम्मेदार ठहराते हो, ये मेरा सवाल है यार। कलीम साहब, अभी आप एक एक, एक सॉन्ग के जरिए, गाने के जरिए तंज कस रहे थे, वो हो जाए थोड़ा सा, क्या बोल रहे? एक, एक सॉन्ग गाना भी गाने के जरिए जो है एक तंज, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना सर, मेरा ये सॉरी, मेरा ये कहना है ना सर कि 2024 में किसी भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी इस देश में जो है 25 साल 30 साल के लिए हम उसे फेविकोल लगा के कुर्सी नहीं देते हैं, हाँ, हर 5 साल में चुनाव आता है, और हम देश की जनता जब चुनाव आता है ना तो उसे महापर्व मानते हैं, क्योंकि हमें जो सत्ता ने गलतियाँ की रहती है ना उसको सजा देने का मौका मिलता है। तो इस बार हम जो देश की जनता है हर बूथ पर खड़े मिलेंगे, और यही किस तरह हर चौराहे गली पर खड़े रहेंगे और ये कहेंगे कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरे रुत आई। और आपको पता है कि 14 में हम ही जनता ने उनको यहाँ बिठाया था पलकों पर, तो मैंने उस पर मैं, जनता कह रही है, मैं कह रहा हूँ, मैं भी जनता हूँ कि मतलब 2014 में हमने पलकों पे बिठाई, तो मैंने इन मतलब लिखा था, इन नैनों की तू है मोती, ते बातें तेरी निकली झूठी, दावा तेरा कोई दावा तेरे में कोई जोर नहीं है, दावे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यही जनता हम हर गली चौराहे से गांव गांव से ये आवाज निकल के आने वाली है। हाँ, और 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का खबर भी आया था, और बाद में वो जियो यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है आज तक मुझे नहीं दिखा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ ना, सुनिए ना, मैं इसलिए वो बात कह रहा हूँ ना क्योंकि इस देश में
कापी किताब से लेके, दही से लेके, तेल से लेके, दाल से लेके, आटा से लेके, हर चीज पर टैक्स लग रहा है। और जो काल्पनिक मूवी है जो समाज में घृणा फैला रही है उसको टैक्स फ्री कर रहे हो, तो मैं सवाल करूंगा ना। तो बीबीसी पे बैन कर रहे हो और केरला स्टोरी पर भी तो बैन करो। अरे एक तो वो तो प्रोपेगेंडा, खुद आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कह रहे हो कि ये काल्पनिक मूवी है, तो बीबीसी क्या है, काल्पनिक है है ना। तो सवाल तो हम जनता इनसे, ये सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हम 24 में इनसे जो है पूछेंगे। जनता क्या डिमांड कर रही है? जनता काजू का आटा खा रही है? हाँ, काजू का आटा खा रही है क्या जनता? किसकी जनता नहीं कर रही, ये इन्हीं के लोग हैं जिन्हें डर अब सता रहा है कि सत्ता जाने वाली है।